छोड़ के अपने महल ब महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया वनवास। बस एक मिसाल पर खत्म करने के लिए आ रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुकम्मल हाथ उठाइए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाबर बादशाह ने अपने बेटे को नसीहत किया, एक किताब है उसका नाम है तारीख हिंद। बाबर बादशाह ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत किया, कहा कि बेटा अगर कामयाब हुकूमत करना चाहते हो, इस हिंदुस्तान में कामयाब बादशाह बनना चाहते हो, तो मेरी नसीहत को कान खोल करके सुनो। तुम्हारा मजहब इस्लाम ज़रूर है, लेकिन तुम दूसरे धर्म का भी एहतराम करना, अगर एहतराम नहीं करोगे तो तुमसे जुल्म होगा, इंसाफ नहीं होगा। पहली नसीहत किया, और दूसरी नसीहत किया कि बेटे गाय को ज़बह मत करना, गाय कुशी मत करना, यह हिंदुस्तान है, यहाँ के हिंदू गाय को माता कहते हैं, गाय को ज़बह मत करना, अगर तुम गाय को ज़बह करोगे उनके दिल में तुम्हारी जगह नहीं होगी, गाय की ज़बह छोड़ दोगे उनके दिल में तुम्हारी जगह होगी। तीसरी नसीहत बाबर ने किया है अपने बेटे को कि बेटा मंदिर को मत तोड़ना, मंदिर तोड़ने की बात तो दूर की है, मंदिर की तरफ आंख भी मत उठाना, उसकी बेअदबी मत करना, वरना इनसे गैर मुस्लिमों से तुम्हारा दोस्ताना ताल्लुक नहीं रहेगा। आखिरी नसीहत बाप ने बेटे को किया है कि बेटा इस्लाम फैलाना, लेकिन इस्लाम जुल्म और सितम की तलवार से नहीं, लुत्फ और एहसान की तलवार से फैलाना। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं, जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं, आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में, चाहे हो गुजरात के शोले चाहे बंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी हैं शुभ चिंतक कितने, अरे हिंदुस्तान में आग लगी है नेता जी हैं लंदन में, नेता जी हैं लंदन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा दूसरा नमूना है, आधा बयान में निकाल चुका हूँ, थोड़ा सा बाकी रह गया है, इंशाल्लाह साथ देंगे तो वो भी निकल जाएगा, हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप नमाज से सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह की जमानत होगी, उस घर की हिफाजत होगी, और मस्जिद आबाद होगी हम आबाद होंगे, मस्जिद वीरान होगी अल्लाह हमें वीरान कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, हदीस कहती है मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद में होती है घर में नहीं होती। क्या मतलब हुआ? मस्जिद का पड़ोसी है, कान में मस्जिद की आजान आ रही है, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद में होती है घर में नहीं होती। क्या मतलब है? घर में पढ़ लेगा मस्जिद का पड़ोसी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, अदा होगी कबूल नहीं होगी। अगर मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में आ करके नमाज पढ़ेगा तब अदा भी होगी कबूल भी होगी। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए, जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। हदीस कह रही है ईशा की नमाज जो नहीं पढ़ता, फजर की नमाज जो नहीं पढ़ता, ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। तीसरी हदीस आ रही है, आदमी नमाज छोड़े काफिर हो जाता है, इसका क्या मतलब? अदा भी नहीं करता, कजा करने की नीयत भी नहीं है, मुसलमान नहीं रहता, दोबारा इस्लाम कबूल करने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा। चौथा नमूना आपके सामने आ रहा है, खुदा किससे मोहब्बत करता जो फजर नमाज फर्ज नमाज पढ़ता है, खुदा किससे मोहब्बत करता जो नफिल नमाज पढ़ता है। खुदा कहता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वो दुआ करता है मैं कबूल करता हूँ। नबी की पसंद पर जीना है इंशाल्लाह, नबी की पसंद पर मरना, हाथ उठाइए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिब्रील आए खुदा का पैगाम लेकर के नबी की खिदमत में, खुदा को तीन चीज़ें पसंद है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ मुताला गुजर रहा है, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं तो ये समझ रहा था कि आप हौसला हार करके जलसा को मिलाद बना देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा जलसा है,
ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया खर्राटे ले रही है, गुलसिता कब्रिस्तान बन चुका है, अल्लाह का शुक्र है जलसा जलसा है। अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत दे, रोज़ी में भी बरकत दे, दिल की मुराद अल्लाह आपकी पूरी फरमाए। मैं बताने के लिए जा रहा हूँ नबी की पसंद पर जीना। जिब्रील आए, खुदा का पैगाम सुनाया कि खुदा को तीन चीज़ें पसंद है, बंदे का सब्र पसंद है, बंदे का फाका पसंद है, बंदे की कुर्बानी पसंद है। जिब्रील ने कहा मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों की मदद करना। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो। हजरत अबू बकर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, मेरी बेटी आपके निकाह में है, मैं आप पर पैसा खर्च करता हूँ, आपका चेहरा देखता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी बहुत अच्छा मुबारक हो। वो बैठे हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, पुराना कपड़ा पहनता हूँ, खुद नेकी करता हूँ और दूसरे को नेकी का हुक्म देता हूँ, खुद बुराई नहीं करता, दूसरे को बुराई छोड़ने की हिदायत करता हूँ, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी बहुत अच्छा, अल्लाह मुबारकबाद मुबारक फरमाए। वो बैठे हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, कुरान की तिलावत करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ये मुझे पसंद है। दुआ दी कि मुबारक हो। बैठ गए हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, गर्मी का रोज़ा रखना, मेहमान की खिदमत करना और दुश्मन से मुकाबला करना, या जान लेना या जान देना, मुसलमान हर हाल में कामयाब है, मारा तो गाजी मारा तो शहीद। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने सबकी पसंद सुनने के बाद कहा मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, मुझे भी तीन चीज़ें पसंद है, खुशबू पसंद है, औरत पसंद है, नमाज पसंद है। इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। शनिचर को ससुर आकर के पढ़ेगा। मस्जिद आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है, तू अपने को कहता मुसलमान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, याद रही इंशाल्लाह। ये देख सब ने हाथ उठा। एक आदमी का बैल मस्जिद आ गया, सारे मुक्तदी खड़े हो गए, ये किसका बैल है? बैल को बांध करके नहीं रखता। तो बैल वाला सामने आया, उसने कहा कि वो तो बैल बेवकूफ था कि मस्जिद चला गया, मुझे आज तक आपने मस्जिद में देखा है? सुबह का वक्त था, मुर्गा अजान दे रहा था, लोमड़ी आ गई और मुर्गे से कहा कि ओ मोहसिन साहब, अजान तो आप दे चुके हैं, नीचे आइए नमाज भी पढ़ लें। मुर्गा सोचा कि अल्लाह समद, ये लगता है कि खगड़िया का गिदड़ है, ये कहीं और का गिदड़ नहीं है, ये तो बहुत होशियार है, मैं जैसे नीचे आऊँगा ये मुझे चट कर जाएगा। तो मुर्गा भी होशियार था, उसने कहा कि मैं तो मौज़िन हूँ, इमाम नहीं हूँ, आप बताइए कि आप इमाम हैं या मुक्तदी हैं? कहा मैं मुक्तदी हूँ। कहा इमाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। गिदड़ ने सोचा कि ये भी बड़ा होशियार है, मैं तो इसको हाफ पागल समझता था, लेकिन फुल पागल मैं हूँ, हाफ पागल ये। थोड़ी देर में शेर आ गया, मुर्गा को मालूम था कि शेर मुर्गा को खाता नहीं है, उसने जंप करके शेर की पीठ पर जगह ले ली। अब गीदड़ जब भागने लगा तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब कहाँ जा रहे हो, इमाम तो आ गए। उसने क्या कहा, मेरा वजू टूट गया। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, इस चमन का निगेबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगेबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगेबा कहाँ सो गया, आँख कर हाथ होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। इंशाल्लाह अपनी मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे, जब ये घर आबाद होगा अल्लाह हमें आबाद रखेगा इंशाल्लाह। हाथ उठाइए इंशाल्लाह।